ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सब लोगों को? गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। यस सर, हो रही है। हो रही है, ओके। तो कल हम लोग जो है पोटेंशियल पढ़ रहे थे, कुछ हमने पोटेंशियल के चीज़ें पढ़ी थी, प्रैक्टिकल ड्यूटीज पेरिकल्शियल, फिर उसमें डिफरेंट केसेस क्या क्या हो सकते हैं ये क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिक क्या होता है, फॉर्मुला ड्राइव किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होता है, उसको देखा था, और वर्क डन में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है ये देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर ये देखा था, वन डायमेंशन में ये होता है, ये हमने पढ़ा था, और पोटेंशियल इसका मतलब क्या होता है माइनस साइन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होते हैं या पोटेंशियल हमारा घट रहा होता है, तो ये हमने देखा था कल। अब देखते हैं कि थ्री डायमेंशन में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है एक्स वाई और जेड सब में वेरी कर रहा है, हर डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये देखते हैं। तो कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स था या डी आर था, इसमें केवल एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर ये हर डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, आपका पोटेंशियल मान लो जैसे दे दिया, तो इसका मतलब है कि जेड एक्स वाई सब पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी वैल्यू होंगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है तो कैसे निकालोगे आपको, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला होता हूँ इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, इसका आई कंपोनेंट आएगा, ऐसे जब जेड के सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो जे कंपोनेंट आएगा, और अगर आप जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो यू विल गेट द ए कंपोनेंट। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। जैसे इस केस को अगर हम देखें, वी अगर आपका ये है, तो मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स मेरा वेरिएबल है बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट प्लस 4y प्लस 9z 6x प्लस 4y प्लस 9z, ठीक है, इसको डाउट तो नहीं है? हां सर, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, बाकी सब कांस्टेंट क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4z प्लस 9z 4y सॉरी नो 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 y 4x 4x वो सॉरी 4x है उधर y है ना, क्योंकि बाकी तो y है नहीं कहते। यस सर। ओके, थर्ड क्या आएगा, 9x 9z 9x 9x बचेगा। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पे, वेक्टर फॉर्म में ये आएगा, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एक्स वाई जेड की, तो हर पॉइंट पे ये वेरी करेगा, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा आपके कोऑर्डिनेट क्या है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है। आसान सर ये सर, एक्स वाले में आपने सारे लिखे हैं और वाई में और जेड में, क्योंकि मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जब मैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है, इसका मतलब है जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो बाकी सबको कांस्टेंट मानूंगा, जब मैंने आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन 6x होगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कांस्टेंट है मेरे लिए, मैं 4y को बाहर कर दूंगा डिफरेंशिएशन से, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस इसका जब करूंगा तो 9z कांस्टेंट है मेरे लिए और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा dv / dx वो इतना आ जाएगा, ठीक है। जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है 3x स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और जब इसका करूंगा तो 4x कांस्टेंट है, 4x कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो ये 4x इंटू 1 हो जाएगा, ये पहले वाले का 0 हो गया था, इसको करूंगा तो इसमें कोई y है नहीं, तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y है नहीं यहाँ पे, तो ये सब तो कांस्टेंट है, z और x तो कांस्टेंट मान रहे हैं हम लोग, तो इसका भी 0 आएगा, तो केवल यहाँ 4x का डिफरेंशिएशन आएगा जब आप dv / dy निकालोगे, ऐसे डी बाई डी जेड निकालो तो बी होगा, डी बाई डी जेड निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, फिर इसका करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तीसरे वाले का करोगे तो इसमें 9x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जेड का 1 हो जाएगा, तो 9x, तो ये हमारा तरीका है, तो बाहर माइनस साइन का भी ध्यान रखिएगा, माइनस साइन भी है, तो दिस इज अवर
this thing. Okay, now जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो है परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, प्रॉपर्टी होती है उसकी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो अगर आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होता है. जैसे आपने कोई स्फीयर माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और आपका सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल ऐसे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो परपेंडिकुलर नहीं हुआ, मान लो ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर को बनेगा इधर को बनेगा, ठीक है, ई कॉस थीटा ये साइन थीटा. अब अगर मैं यहाँ पे ई साइन थीटा देखूँ तो ये अलोंग द सरफेस है, तो मैं सरफेस पे अगर दो पॉइंट लूँ तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई डॉट डी आर होता है. तो मैं कह रहा हूँ कि ये डी वी जो है जीरो है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, सब जगह पोटेंशियल बराबर है, तो डी वी जीरो आना चाहिए. लेकिन अगर E की वैल्यू जीरो नहीं आई तो E डॉट डी आर की तो वैल्यू कुछ आ जाएगी, ठीक है, तो है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं होगा यहाँ पे तो E डॉट डी आर जो इंटीग्रेशन होकर कुछ आ जाएगा वैल्यू, तो डी वी जो है जीरो नहीं आएगा. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के. जैसे कि आपके मेटल्स होते हैं तो मेटल भी इक्विपोटेंशियल होते हैं, क्योंकि मेटल में क्या होता है कि मान लो मेटल में पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज मान लो यहाँ माइनस कुछ पोटेंशियल है -20 वोल्ट और यहाँ पे है +20 या +1 वोल्ट. अच्छा. तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के, वो उन पर फोर्स लगेगा, और उन पर जो फोर्स लगेगा तो जाके इसको बैलेंस करेंगे फील्ड को. देखो होता है कि आपका जो फील्ड है मान लो ऐसे है, ठीक है, तो फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, घटते हुए पोटेंशियल की तरफ को. तो मान लो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है. अब जो प्रोटॉन होगा वो इधर को मूव करेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है -20 वाले से +1 की तरफ को मूव करेंगे, और जब इधर को मूव करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल को क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, जब -4 यहाँ पे आएगा. तो अगर -4 यहाँ से यहाँ आया, घटा देगा तो ये पोटेंशियल घटेगा, सब बढ़ा देंगे. तो -4 पोटेंशियल बढ़ाता है घटाता है, ओके सर, है ना. तो अगर ये माइनस है तो पोटेंशियल माइनस हो जाएगा ना, कम हो जाएगा. और अगर यहाँ से है ना, और यहाँ से अगर माइनस चार्ज गया है तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा. तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा. तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है भाग के दौड़ के इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, और ये क्योंकि ईजिली भाग सकते हैं, जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होगी. तो मेटल में इक्विलिब्रियम जब आता है तो उस समय सब जगह पोटेंशियल बराबर हो जाता है हर पॉइंट का, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होता है, इसलिए मेटल के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं. तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. अगर नहीं होगा तो तब हो सकता है वो, तो या तो इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी, अभी इलेक्ट्रॉन भाग ही रहे हैं हमारे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो सकता है. अदरवाइज अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है. आई होप जरूरी है कि इक्विलिब्रियम ना हो तो फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा हमेशा. अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो भाग रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों भागेंगे फिर इलेक्ट्रॉन को, फोर्स कहाँ से लगेगा. मैंने हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन एक केस हो सकता है कि अगर ऐसा ना हो, जैसे मान लो आपके कोई वायर हो तो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वायर के अंदर, ठीक है, तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे हैं इधर को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या ट्राई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्राई करेंगे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना आपका, एक्चुअली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके कारण ही यहाँ पे करंट होता है वायर के अंदर, ठीक है. लेकिन आप देखो अगर ऐसे मान लो कि आपका सर्किट ऐसे बना हुआ है, सपोज ऐसे,
अब इस वायर में यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हम नहीं मानते, जीरो मानते हैं इसको, आइडियल वायर मानते हैं। तो रेजिस्टेंस जीरो है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो V इक्वल टू आई आर, V भी जीरो होगा, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है, सेम पोटेंशियल मान सकते हैं हम लोग। यस सर, मान सकते हैं। लेकिन तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लो कर रहा है, तब भी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा केस मान सकते हो, ये केस ये है कि मान लो पानी ऐसे आ रहा है और फिर यहाँ पे ऐसा पेन आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो पानी तो मूव करेगा ही ना। अगर मान लो यहाँ पे वो नहीं भी है, क्या नाम बोलते हैं आपका, स्लोप नहीं भी है, तभी पानी तो मूव करेगा क्योंकि यहाँ पीछे तो स्लोप है ही। ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे तो कुछ हो ही रहा होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, तो बीच में तो फ्लो करेगा ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस हो सकता है कि ऐसे केस में आपका इनसाइड जो है विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वहाँ पे कुछ अलग केस भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो है हमारा केस ये वाले होते हैं। तो अगर आपका मेटल स्फीयर है, पूरा चार्ज है और इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यूजुअली इक्विलिब्रियम की बात होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा। या फिर आपकी कोई प्लेट है, मान लो मेटलिक प्लेट आप पड़ोगे कैपेसिटर में, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। क्या चीज, अगर आपने कहा था कि V dot dr होता है, वहाँ पे V zero हो गया था, वो क्यों होता है? आप कह रहे हो कि E equal to minus D by dr है, और वहाँ पे क्या जीरो हो गया था? हाँ सर, मतलब जो परपेंडिकुलर जो सरफेस था ना, मतलब परपेंडिकुलर अगर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, तो फिर V zero क्यों हो जाता है वहाँ पे? हम इक्विपोटेंशियल मान रहे हैं ना इसको। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हर जगह पोटेंशियल सेम। इक्विपोटेंशियल का मतलब हर जगह पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ का भी होगा, वो यहाँ का भी होगा। अब अगर ई मान लो परपेंडिकुलर नहीं है, ई मान लो इधर को है, तो फिर ई का कंपोनेंट इधर को भी आ जाएगा, एक है ना, एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, एक इधर को आ जाएगा। मान लो ये ई है, तो ये ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा इधर को आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं देखूँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई साइन थीटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डॉट डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस ही आया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई साइन थीटा डॉट डी आर। लेकिन हमने क्या माना है कि पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो यानी ये कंडीशन हो नहीं सकती ना, अगर इक्विपोटेंशियल है तो ये चीज़ हो नहीं सकती फिर, यानी ये तो जीरो आना चाहिए। ये जीरो कब आएगा, जब ये चीज़ जीरो होगी। जीरो होनी चाहिए, तो आपका थीटा जो है जीरो डिग्री होना चाहिए, यानी आपका एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट, तभी ये पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि पोटेंशियल से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि चार चार्ज हैं, प्लस थ्री माइक्रोकुलम, माइनस वन माइक्रोकुलम, प्लस फाइव माइक्रोकुलम एंड माइनस सेवन माइक्रोकुलम। दे आर अरेंज इन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे रखे हुए हैं, कहीं पे भी रखे हुए हैं, ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। आपको बताना पोटेंशियल एट द सेंटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा? जीरो, जीरो, सात और एक आठ, यस। जीरो आ रहा सबको? यस सर, जीरो आ गया। जीरो आ गया, ये होता है आपका पोटेंशियल। तो सबका ऐड करोगे तो के आर आर तो कॉमन ही आ जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ऐसा आ जाएगा, प्लस क्यू फोर।
तो वी सारे चार्ज का ही सम जीरो है तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, सम आपका जीरो है तो नेट जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा अंडर चार्ज। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो पोटेंशियल निकालना इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी है? पोटेंशियल इजी है, पोटेंशियल इजी है ना, यहाँ पे हमें पता नहीं चार्ज कहाँ पे रखे हुए तब भी हमने निकाल लिया आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको एंगल एंगल देखना पड़ता सब कुछ, उससे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इन्फिनिटी टू सी माइनस, वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। जीरो, ये भी डेफिनेशन है ना कि दिस इज द वर्क डन, अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क डन आ जाएगा आपको। ये वर्क डन क्या होता है आपका? क्यू इंटू ई इंटू डी एस होता है, इसी का इंटीग्रेशन होता है आपका। एक्चुअली ये वही इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन से क्या आता है? पोटेंशियल आता है आपका। क्यू आप वन ले लेते ले हो तो सब का पोटेंशियल आता है। तो यानी यहाँ पे जो ई डॉट डी एल है सर, डी एल के लिए डी एल जो है लेंथ है, मैंने अगर इंटीग्रेशन है तो ई डॉट डी एल मतलब अगर मूव करा रहे हो चार्ज को, तो डी एल एक स्मॉल डिस्टेंस लिया होगा आप इन्फिनिटी से सी पे लेके आ रहे हो, है ना? तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल ही है आपका एक्चुअली। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है आपको इनडायरेक्टली पूछ लें, आपको पोटेंशियल निकालना आता हो लेकिन वो ऐसा ना पूछ के आपको ई डॉट डी एल पूछें। ओके, अगला क्वेश्चन, आई थिंक पिछला क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ये एक सर्कल है, इसमें चार पॉइंट हैं आपके ए बी सी, ए बी सी डी, और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो ये कह रहे हैं कि चार पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा, कब बना सकते हो? ये ए कॉमा जीरो होगा, ये जीरो कॉमा ए हो जाएगा, माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस ए। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको ये बताना है कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम मिनिमम होगा, सॉरी मिनिमम कहाँ पे होगा? ए पे। बाकी लोग बी पे होगा सर। बी पे, बी पे कैसे आएगा मिनिमम? सबसे कम ए पे और डी पे सेम और सबसे ज्यादा सी पे। बताओ कैसे आएगा बी पे मिनिमम? सर वो ई और डी आर के बीच में वो जो डॉट होता है उधर, डॉट यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे और थीटा हमारा 90 जाएगा बी पे, इसलिए वहाँ पे जीरो आ जाएगा। थीटा 90, किस चीज का थीटा ले रहे हो सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डाइपोल है उसके बीच में जो एंगल होता है। डाइपोल नहीं है, ये तो सर्कल एक सिंपल सर्कल है और सब पॉइंट रहे हैं, डाइपोल नहीं है। करेक्ट, सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर ऑफ दिस ओरिजिन, यहां पे कोई डाइपोल नहीं है, कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। देखना पड़ेगा। बताओ कौन सा है, बाकी लोग बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहां पे ए बी सी डी पे कोई चार्ज नहीं रखे हुए? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो सर ए पर ही होगा ना, क्योंकि वो दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाने पर घटता है पोटेंशियल, सर ए पे। ऐसे होगी कंडीशन? यस। क्या उल्टा होगा? तो उल्टा उल्टा होगा। ऐसे सर? यस। ऐसा नहीं कह सकते ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से, तो 90 का एंगल बन रहा है तो जीरो हो जाएगा।
और सी पे 180 का एंगल बन रहा है, ये क्या चीज जीरो हो जाएगी पोटेंशियल डीएस में, पोटेंशियल तो अलग चीज होती है, आप क्या निकालना चाह रहे हो, ई डॉट डीएस निकालना चाह रहे हो, ई डॉट डीएस तो फ्लक्स होता है। यस पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल तो अकॉर्ड, देखो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ऐसे करते रहेंगे। इसका पोटेंशियल मान लो 100 है तो इसका 90 होगा, इसका 80 होगा, 70 होगा, घटता जाएगा करने। आपने जो पॉइंट लिए हुए हैं, सॉरी ये 60 हो जाएगा, आपने जो पॉइंट लिए हुए हैं ए बी सी डी, यहाँ लिए हुए आपने, मान लो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, इस पे पोटेंशियल 70 होगा, सबसे कम यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा 90, और इन दोनों बराबर होगा, तो ये कंडीशन लगेगी। किसके कंपोनेंट लेना चाहते हो आप, सर ई के किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, किधर को लेना चाहते हो सर, ये बोल सकते हैं कि फील्ड ए पे मैक्सिमम होगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर, हां नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा काफी मैक्सिमम होगा भाई, सी पे, सी पे नो गलत, काफी मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों जगह बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी चेंज होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर मैं लाइन ऐसे बनाता तो चेंज हो रहा होता, क्योंकि जहाँ पे लाइनें क्लोज होती हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और जहाँ लाइनें दूर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, लेकिन ऐसे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस में ऐसी लाइनें बन रही होंगी तो हर जगह आपका बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तभी तो आप इंटीग्रेशन कर पाओगे जब ई डॉट डी एल करोगे, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे केवल पोटेंशियल चेंज हो रहा है, बिकॉज आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो ई डॉट डी एल की कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसलिए पोटेंशियल घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड चारों जगह सेम है, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कंडीशन है, पोटेंशियल के लिए ये कंडीशन है। ठीक है ये सीरीज समझ आ गया सर, वो बी वो आपने मतलब क्या चीज तो पोटेंशियल मिनिमम कैसे बताया, मैंने मिनिमम कैसे बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलूंगा तो पोटेंशियल घटता जाएगा मेरा, यहाँ 1000 होगा मान लो, तो यहाँ आते 900 हो जाएगा, यहाँ आते 800 हो जाए और आगे जाओगे 700 हो जाएगा, यस सर समझ गया, ऐसे घटेगा सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दोबारा बता देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोल रहे हैं कि वेरिएबल है कहीं पे कम या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है कि लाइनें कैसी हैं आपकी, अगर फील्ड लाइन में ऐसे बनाऊँ मान लो, तो फील्ड लाइन में क्या है, यहाँ पे पास पास है फील्ड लाइन और यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे अगर दूर दूर है लाइनें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, मतलब पैरेलल नहीं होनी चाहिए तभी वेरिएबल होगा, तभी वेरिएबल हो सकता है, तो यहाँ पे ई बी कम हो जाएगा ई ए से, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आर डिस्टेंस में k क्यूब बाय r स्क्वायर, अगर मैं बाहर को जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या बढ़ेगा, इधर को अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड दोनों से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है बाहर को, तो आप देखो जो फील्ड लाइनें बनती हैं यहाँ पे वो ऐसे बनती हैं, तो फील्ड लाइनों के बीच का जो गैप है वो बाहर की तरफ को ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अंदर की तरफ को, अगर आप अंदर यहाँ देखें तो गैप कम है लाइनों के बीच का, आप यहाँ सर्कल बनाओ तो कितना गैप है, ज़्यादा गैप है,
इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है बाहर की तरफ क्योंकि लाइन के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो EB इज लेस देन EA इन दिस केस, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। लेकिन अगर लाइनें स्ट्रेट बन जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, जैसे अभी आप देखेंगे कैपेसिटर जब आपका आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें स्ट्रेट बनती हैं, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो यहाँ पे EA इक्वल टू EB होगा, ठीक है। और अब ऐसा केस हो गया तो यहाँ पे फिर ए पे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा फील्ड, मान लो ये बी है ये ए है तो बी पे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइनें क्लोज हैं बहुत, इस केस में ये हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कैसा आपका बी पे ज़्यादा कैसे हो गया, बी पे ज़्यादा क्यों हो गया, बी यहाँ पे है ना पॉइंट, तो बी पे फील्ड लाइनें पास पास है ना, यस सर, फील्ड लाइनें जहाँ पे पास पास होंगी, जैसे यहाँ पे ए पे पास पास थी तो ए पे ज़्यादा था, यहाँ बी पे पास पास बी पे ज्यादा होगा, यहाँ पे बराबर थी तो बराबर दूरी पे थी तो बराबर होगा, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। नोट कर रहे हो? ओके, बाकी लोग क्लियर हो गए सबको? कोई समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है और पोटेंशियल अलग चीज है। Done? Yes, sir. Okay. ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टू बी एक इलेक्ट्रॉन को हम लेके गए हैं ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ऐसे, यूनिफॉर्म है ये, तो आप इसे ए से बी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 वोल्ट पर मीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड बी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उन्होंने, तो बी सी इक्वल टू 3 मीटर, आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन by us, amount of work done by us is, ठीक है। और आंसर आपको एक बार ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, वो सर की आवाज आ रही है, आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है, 40 ऑप्शन में है, 40 भी है माइनस 40 भी है, देखना। ओके ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको ए से बी लेके गए, इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ए बी का लेंथ दी हुई है और यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको कि बी सी जो है यहाँ पे 3 मीटर है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अस इज, हमारे द्वारा वर्क डन कितना होगा, ओके बाकी लोग निकालो फटाफट। ठीक है, तरीके पूछना सबने क्या क्या तरीका लगाया, मेरा भी तरीका लगाऊंगा। बताओ क्या मेथड लगा है?
dv is equals to minus e dot dr. तो dr यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और उनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. इस फील्ड की डायरेक्शन में चार यूनिट चल गए, अगर ऐसे फाइव चले और ऐसे थ्री, मतलब यहाँ पे चार, तो dv आ गया माइनस 40 और चार्ज नेगेटिव है तो 40. वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. ओके, हमने QE लिया है यहाँ पे, मैंने क्या किया, डीवी निकाला है. ठीक है, डीवी क्या किया आपने, माइनस 10 इंटू डीआर, मतलब डीआर यहाँ पे हो जाएगा. यस सर, 5 cos थीटा 4 हो जाएगा. 5 cos थीटा, ओके, तो 4 हो जाएगा, है ना. ठीक है, तो माइनस 40 आप यहाँ से लिया है. ठीक है, फिर वर्कडन निकाल लिया. और सर हमें निकालना था वर्कडन बायस, तो यहाँ पे नेट वर्कडन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्कडन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्कडन बायस, इसलिए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. अच्छा, वर्कडन कैसे निकाला, वर्कडन अपने वी बाई क्यू की है. यस सर, वी क्यू. वी क्यू क्या सर, ओके, वी क्यू क्या, तो माइनस 40 ई आया. ठीक है, दिस इज वर्कडन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो फिर हमारा वर्कडन बोलो प्लस 40. ठीक है, किसने और कोई तरीका लगाया सर, वर्कडन निकाल सकते हैं सीधा FDS से. वर्कडन निकाल सकते हैं FDS से. ठीक है, मतलब माइनस के लिए सर, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल वर्क के लेते हैं हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले में. तो ओके, तो क्या बोल रहे हैं आप, क्या करेंगे, प्लस आएगा ना, प्लस आ जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा आपका, है ना. यस सर, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क ऑन द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज होता है. हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो ये निकालते हैं हमने यहाँ पे एक्सटर्नल से ही निकाला था, है ना, तो ये वर्क डन जो आता है एक्सटर्नल वर्क डन ही आ जाता है. ठीक है, तो ये जो वर्क डन है एक्चुअली ये एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और आप चार्ज से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा. चार्ज आपका क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा. इस चीज़ को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, एफ डॉट डी एस जब करोगे तो क्यू इंटू डी एस करोगे. अब क्यू आपका नेगेटिव है, तो क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है नेगेटिव चार्ज पे, तो आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा. तो आपने फोर्स इधर को लगाओगे, ये आपका फोर्स है, ठीक है, जो हम लगा रहे हैं. तो हमारा फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही है, तो वर्क डन जो एफ आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि आप इधर को वर्क लगा कर रहे हो. इसकी वैल्यू निकाल लो बस, साइन को तो आप निकाल ही चुके हो ऑलरेडी. तो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एफ आपका क्यू इंटू ई होता है इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा. अब डी एस कॉस थीटा मतलब ये 5 कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट यानी 4, तो Q इंटू 4 हो जाएगा ये. तो Q आपका, Q तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E है, तो हट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने 10 लिया हुआ है, ये आपका 4 है, तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया यहाँ से. तो यहाँ से भी सोच सकते हो उसे ऐसे में. सर वहाँ पे माइनस 40 वोल्ट कैसे आया था, वहाँ पर, यहाँ पर. यस सर, ये तो फॉर्मूला है ना आपका, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, इसको इंटीग्रेट किया है ना, उल्टा किया है इसको, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डीआर. जब ई डॉट डी आर लोगे तो ई आपका 10 है और डी आर आपका 5 है, 5 मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है आपका, और एंगल इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कॉस थीटा है, तो 5 कॉस थीटा लिखोगे तो माइनस 50 कॉस थीटा, या फिर आप पूछ सकते हो 5 कॉस थीटा आपका 4 है तो उसकी वैल्यू यहाँ फुट कर दी हमने, तो आपका माइनस 40 आ गया. सर ये 5 कॉस थीटा 4 कैसे हो गया, मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा था कि आप ऐसा कोई वो बोलते हैं हमारा ट्राइंगल, तो मान लो ये आपका L है, तो ये वाला लेंथ कितना होता है, नीचे वाला कितना होता है, ये L cos theta. L cos theta. L cos theta होता है ना, यानी ये वाली लेंथ हमारी ये cos theta, यानी 5 cos theta कितना हो जाएगा, 4 होगा. तो मतलब हम वो नीचे वाली लेंथ लेंगे. हाँ, मैंने नीचे वाली लोगे ना, या तो भाई ऐसे लिखो कि 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा निकाल लो,
कॉस एंगल से निकाल लो कितना आएगा कॉस थीटा की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है मेरे ख्याल से, तो 4/5 लिखो मेरे वैल्यू तब भी वही आ जाएगा। यस सर यही पूछ रहा था। हां तो ऐसे कर कि 5 * में 4/5 होना। हां बात वही है ना, वही बात है। तो ये आ गया, बस ये ध्यान रखना जो कंफ्यूज हो सकते हो साइन ही हो सकते हो कि प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस साइन आपका यहाँ से भी निकल के आ रहा है जब आप बर्डन चेक कर रहे हो कि आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को हो रहा है, तो दोनों में एक्यूट एंगल है तो बर्डन बिल्कुल पॉजिटिव। या तो आप यहाँ से चेक करोगे या फिर आप यहाँ से देख लोगे आपने जो ये निकाला है ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है बर्डन पर यूनिट चार्ज होता है बर्डन बाय अस एक्सटर्नल जो हमने बर्डन किया है, तो ये जो बर्डन आया है ये पर यूनिट चार्ज हमने कितना वर्क किया है एक्सटर्नल, तो निकल गया। इन्होंने एक्सटर्नली पूछा था अगर पर यूनिट चार्ज था तो फिर चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन जो है प्लस 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सर सो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी नेगेटिव? नहीं डिपेंड करता है किधर को मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट मूव करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप फ्रीली छोड़ोगे तो अगर मान लो आपने कोई स्पीड देके छोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है फिर, तो है ना, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। और कोई डाउट इसी किसी को? सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आया आंसर, मतलब चेंज नहीं करना पड़ा कुछ? नहीं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है नहीं होता ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, जो 1.6 × 10⁻¹⁹ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चला गया। यस सर। सर ये वर्क डन दोबारा बता दें, वर्क डन कैसे निकालना? का फार्मूला हमारा F(S) होता है, F.ds(cos θ, मैं F.ds होता है, तो F(ds)cos θ। अब F कितना लगेगा? फोर्स होता है हमारा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यस सर। तो ये फोर्स आ गया ds(cos θ, फोर्स कितना है q × E, q × E मतलब ये E है चार्ज आपका और E इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 है, तो q × E हो गया। ds आपका 5 है यहाँ पे, तो 5 मान लो, और cos थीटा आपने अभी निकाला 4/5, इसको 4/5 कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, कितना है 40 × E, तो 40 × 1.6 × 10⁻¹⁹, और 1.6 × 10⁻¹⁹ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, तो मैंने 40 × इसको मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि आपने यहाँ बच के क्या आ रहा था 40 × E आ रहा था ना E, अगर जून में आप लिखोगे तो 40 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जून लिखोगे। ओके समझिए, तो इस E को मैंने अलग कर दिया, उसमें 40 रहने दिया बस मैंने, जो उसे डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻¹⁹ से। ओके आई होप क्लियर है सबको भी? यस सर। ओके एक और क्वेश्चन है आपका कि दो पार्टिकल हैं, टू पार्टिकल हैव मास रेशो 1:2, एंड चार्ज रेशो 1:1, दे आर प्लेस्ड एट द रेस्ट, दे आर प्लेस्ड एट रेस्ट हैं इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform field they are released and allowed to move for same time, ratio of their kinetic energy will be, they are released and allowed to move for same time, time same dm, then ratio of kinetic energy yani ke1 ratio ke2
पार्टिकल का मास का रेशियो है 4:1 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन तो है। आंसर नहीं लिखा इसका, कितना होगा निकालना पड़ेगा। ये आपका सेम है डीएल, डीएल आपका डिपेंड करेगा इसको भी यूट्यूब पे आकर इसको लो यू जीरो है आपका हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो एफ बाय एम आएगा टी स्क्वायर सेम है एम के इनवर्स रेशो में आना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर रेशो बना रहा है 4:1 कौन बता रहा 4:1 तो नहीं आ रहा 2:1 आना चाहिए। सर आ गया, आ गया। यस बाकी लोग निकाल निकाल दो निकाल उठा आंसर कितना है? 2:1 बता रहा हूँ सब लोग। यस सर आर का। कैसे क्या बताओ? नहीं सर 4:2 बना है मेरा। कैसे आर का 4:1? सर वर्क डन चेंज इन कनेक्टिंग एनर्जी लगाया। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन कनेक्टिंग एनर्जी ठीक है सर। फिर कनेक्टिंग एनर्जी का रेशियो ले लिया। हमें तो कनेक्टिंग एनर्जी फाइनल आ जाएगा इनिशियल तो जीरो है ही। ठीक है फिर क्या किया रेशो ले लिया कैसे ये मैंने मान लिया कि वो एस डिस्टेंस जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर एम वन वी वन स्क्वायर ठीक है और वेलोसिटी के लिए distance upon time, time मैंने निकाल लिया equation लगा कर। velocity is distance by time in case of किस केस में वैलिड होता है जब acceleration ना हो। आप तो ये equation लगा रहे हैं distance equal to velocity। yes sir। ये तब होती है acceleration। इसलिए गलत आ गया। इसलिए गलत। ठीक है निकालो दोबारा निकालो। सर v इक्वल टू u प्लस 80 से नहीं कर सकते v इक्वल टू u प्लस 80 ठीक है फिर सर u जीरो हो जाएगा तो v1 और v2 के बीच में वो आ जाएगा रिलेशन क्योंकि एक्सेलरेशन तो qe बाय m आएगा ना पहले पार्टिकल का और सेकंड पार्टिकल का qe बाय 2m और टाइम सेम दे रखा है टाइम सेम है बिल्कुल q भी सेम है टाइम सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो v1 by v2 का रेशियो आ जाएगा v1 ही आया v2 ओके इसका मास कितना 2 है ना ठीक है तो आपके यहां से ये आ जाएगा ओके
तो v1 v2 का रेशियो आया, लेकिन किसका पूछा रेशियो काइनेटिक एनर्जी का, तो निकाल लेंगे। v1 रेशियो v2 2 आ रहा आपका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपका ये होगा m1 by m2 कितना है आपका m और 2m इंटू v1 by v2 का आपने रेशियो निकाल लिया है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 1 by 2 into 2 का स्क्वायर, यानी कि 2:1। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे करोगे सर? पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल में उसका रेशियो आ जाएगा L1 by L2। और फिर हम वही लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन L is equal to ut plus alpha t square, t सेम है तो एक्सेलरेशन के रेशियो में आ गया, eq by m, eq कट जाएगा और m का इनवर्स रेशियो आ जाएगा। यस सर, EQL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? EQL EQL QL आप EL में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? यस सर, Q Q और Q कट जाएगा, E और E कट जाएगा। E तो सेम है, Q सेम है, तो वर्कडन का जो रेशियो होगा तो L1 L2 का रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर L को UT plus half AT square लगाना चाह रहे हो? यस सर। तो हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो ए टाइम सेम है, टाइम कट जाएंगे, एक्सेलेरेशन डिफरेंट है, तो ये सब पड़ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि फोर्स सेम आएगा क्यू ई कर सकते हैं बिल्कुल। yes. मैं भी ये ट्राई मैं भी यही बोल रहा था उस समय, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जो लोग ये कर रहे थे वो भी कर सकते हैं अपने ढंग से। कर लिया सर लोगों ने? हो गया सबका? यस सर। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, और जो कंसेप्ट आप अगर क्लियर रखोगे तो कई सारे तरीके से कर सकते हो। तो आगे चलें? यस सर। तो इसका आंसर एक बार बता दीजिए। इसका आंसर 2:1 ये है ना, 2 आ रहा है, 2:1 आंसर। अब हम लोग पोटेंशियल पढ़ लिया हमने, तो डाइपोल का पोटेंशियल भी चेक कर लेते हैं कि डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया था डाइपोल का, तो डाइपोल में सर यस सर एक बार समझा देना वो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। यस सर एक इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला था कि भाई हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपने निकालने के लिए क्या किया, आपने हाफ एम वी स्क्वायर का रेशियो चाहिए आपको, है ना बेसिकली? यस ठीक है। अब वी वगैरह कैसे निकालोगे? एम तो आपको पता है रेशियो क्या है आपकी, एम तो आपको दे रखे रेशियो में ऑलरेडी। यस वी का रेशियो निकालने के लिए क्या किया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली। तो आप मान लो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, मान लो v²-2s यूज कर लेता हूं मैं, जो अभी तक किसने शायद यूज नहीं करी यहां पे, मान लो वाली यूज करते हैं सपोज, तो मैं क्या लिखूंगा v²-u²=2as। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u तो 0 हो गया, तो v² आ जाएगा 2as। a क्या होता है हमारा? f/m। v² ही आया। अब f कितना होगा, फोर्स कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताया आपको, क्यू पता है, फोर्स क्यू ही होते हैं, तो ये आ गया। अब दोनों पार्टिकल के लिए चार्ज सेम है, क्योंकि चार्ज का रेशियो 1:1 दिया हुआ है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये सब सेम है, तो वी स्क्वायर जो होगा आपका ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एस बाय एम के। एक मिनट, लेकिन यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पे आपको फंस जाएगा क्योंकि आपने टाइम दिया ना, मैंने एस नहीं दिया, ये नहीं लगा सकते, फंस हो गया आप, वही लगाते हैं v=u+at, ये लगा लेते हैं। चलो ठीक है, इसको जीरो करते हैं। ए आपका एफ बाय एम है, एफ आपका क्यू ई है, तो ये वी आ गया। अब दोनों पार्टिकल के लिए क्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और टाइम भी सेम दिया हुआ है, सेम टाइम में एक्सेलरेट हुआ है,
तो यानी यार v1 by v2 जो होगा v inverse proportional to the m आ गया, तो v1 by v2 जो है ये आ जाएगा m2 by m1, m2 by m1 बस. आपको kinetic energy का ratio चाहिए था तो आपका इसका ratio आपको पता ही है और v1 का ratio आपका आ गया m की form में, यहाँ पुट कर दोगे okay. एक आ जाएगा आंसर. ओके वही बेसिक बेसिक फॉर्मूले वही लगाने में हमने, कोई नई चीज नहीं यहाँ पे है ना, बेसिक बेसिक फॉर्मूले ही हैं, उन्हीं को एडजस्ट करना बस. तो भाई डायपोल में देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक्सियल लाइन इक्विटोरियल लाइन. तो इक्विटोरियल वाली पॉसिबिलिटी तो जीरो हो गई थी, कल मैं चेक कर रहा था इक्विटोरियल पे तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना होता है, जीरो होता है यहाँ पे सब चेक करा था मैंने कल. और इनफैक्ट एक सरफेस बन जाता है वहाँ, पूरा पोटेंशियल जीरो होता है, तो यहाँ पे तो निकालने की जरूरत आपको पोटेंशियल की नहीं पड़ेगी. तो हम लोग यहाँ कहीं निकाल लेते हैं पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे, तो वो डिस्टेंस का ए मान लेते हैं, मैंने टू ए मान लेते हैं डाइपोल पूरा, तो डिस्टेंस ए हो जाएगा. तो डाइपोल के सेंटर से मान लीजिए पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मैं पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पे, तो वी पी जो होगा वो होगा के क्यू बाय आर, आर मतलब कि आर प्लस ए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर निकालूँ तो के माइनस क्यू अपॉन आर माइनस के, ये आएगा पोटेंशियल. तो वन बाय आर प्लस ए माइनस वन बाय आर माइनस ए, एलसीएम ले लो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए, तो आपका आर से आर हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बच जाएगा आपका माइनस में आ गया ये हमारे इस बार टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है. अब क्या है टू के क्यू नहीं है टू ए भी आएगा साथ में, ओके. अब क्यू इंटू टू ए जो हमारा होता है वो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, उसको पी लिख सकते हैं, तो माइनस टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम लोग डाइपोल का पोटेंशियल. सर केवल के पी आएगा ना, टू क्यू ए तो हमारा डाइपोल हो ही गया. अच्छा टू हम ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. तो के पी आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पे निकालते हो. अभी अभी आपने पोटेंशियल यहाँ पे निकाला है तो नेगेटिव आया, क्यों नेगेटिव आया यहाँ पे, पॉजिटिव क्यों नहीं आया. हमने प्लस से माइनस कर दिया, हमने क्या किया सर, अब पॉजिटिव अट्रैक्शन ऑफ डाइपोल लेते हैं सर, नेगेटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. अपोजिट डायरेक्शन नहीं लिया क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ी होता डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड है केवल. तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस वाले के पास आपने पॉइंट ले लिया, इसका पोटेंशियल का इफेक्ट ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है ना, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव वाला ज्यादा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव वाला कम आएगा यहाँ पे, इसलिए टोटल मिला के नेगेटिव आया. अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते तो यहाँ पॉजिटिव आता. सर हम ऐसा तो कह सकते हैं जो यहाँ पे डायपोल की पोजीशन मतलब डायपोल की अट्रैक्शन है अगर माइनस से प्लस की तरफ होती तो हमारा पॉजिटिव ही आता, लेकिन हमने अपोजिट ले ली. हाँ तो मैंने आप बोल रहे हो मैं डायपोल ऐसे रख देता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता सर, मतलब क्या बोल रहे हो, डायपोल अगर इस डायरेक्शन में है डायपोल मोमेंट तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, ये बोलना चाहते हो. यस सर आप बोल सकते हो, ठीक है. तो डायपोल मोमेंट साइड को पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला चार्ज का इफेक्ट ज्यादा था और अगर आप यहाँ पे रखोगे तो प्लस वाले का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा इस केस में, तो इसके कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा नेगेटिव वाला कम होगा. तो दोनों आ सकते हैं पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ये आप क्या वो करते हैं. सेकेंड थिंग ये है अगर ये पॉइंट काफी दूर होगा तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, अगर ये पॉइंट काफी दूर हुआ तो आर काफी बड़ा हुआ ए के मुकाबले तो क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर. और जो सिंगल चार्ज होता है उसके कारण पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होता है, फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, और यहाँ क्या आया आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर आया,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज के कारण आर स्क्वायर आता है, लेकिन डायपोल के कारण आर क्यूब आता है, एक एक पावर बढ़ जाती है, तो डायपोल में एक पावर ज्यादा आती है, तो ध्यान रखना। इक्विटोरियल पे पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? यहाँ पे जीरो क्यों होता है? कल तो बताई थी पूरी कहानी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है यहाँ पे दोनों का, तो के क्यू बाय आर करोगे तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नेट। ठीक है सर, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर होगा ना ये वाला? हाँ वो माइनस प्लस तो डिपेंड करता है तुम किधर को ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, माइनस प्लस कोई भी ले रहे हो, मतलब ऐसे नॉर्मल लिख सकते हैं ना सीधा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस? हाँ हाँ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, किताबों में यूजुअली इन्होंने ऐसे ही माना डायपोल को, या माइनस मान के या प्लस मान के सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे निकाला हुआ है, तो प्लस ही आ रहा है उनका किताबों में, मैंने जानबूझ के उल्टा कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, बोर्ड में करोगे तो ऐसे ही करना जैसे किताबों में लिखा हुआ है, तो बोर्ड वाले समझ नहीं पाएंगे हमने क्या सर? यस सर, जैसे सर मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा था उसमें क्वाड पोल का भी था, मतलब जैसे डायपोल के बाद क्वाड पोल, तो सर क्वाड पोल में दे रखा था v is inversely proportional to r cube, एक एक बढ़ता जाता है उसमें, तो मतलब क्वाड पोल के बाद अगर एक्स्ट्रा मतलब आते हैं हमारे पास वो आते हैं सिक्स पोल आते हैं, मतलब सिक्स पोलैरिटीज आ जाती हैं, तो फिर r रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा इनवर्स के क्वाड में, 6 से नहीं होगा 4 होगा मेरे ख्याल में, 6 पोलैरिटी भी 4 पोलैरिटी होगी ये क्वाड के, क्वाड तो हो गया, अगर उसके बाद हम और भी लेते हैं जैसे हमने अभी चार चार्ज लिए 6 लेते हैं, तो उसके बाद जो r की पावर होती है इंक्रीज होती रहती है? हाँ वो होती रहती है, तो ऐसा क्वेश्चन अब तो नहीं पूछते, कहाँ कहाँ देखे आपने? सर प्रीवियस ईयर का देखा था। किसका प्रीवियस ईयर था? इंजीनियरिंग का। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स किसी स्टेट एग्जाम का होगा, मतलब आईटी वगैरह तो नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन? इसमें कल से पुराना क्वेश्चन था, जेई का ही था, काफी पुराना होगा सर। हाँ हो सकता है, तो बढ़ती जाती है पावर। हाँ लिखा भी पुरानी किताबों में 1990 से पहले का। हाँ तो उस समय सिलेबस बहुत चेंज हो गया, तब से तो जमाना चेंज हो गया, एनसीईआरटी चेंज हो गई पूरी, तो दिस इज द थिंग। ओके, तो यहाँ पे एक चीज को इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा था। मैंने साहब को बताया भी होगा कि जो अगर आपसे पूछे कि भाई मैंने इससे डिस्टेंस डबल कर दिया, चार्ज का डिस्टेंस पहले आर था यहाँ से मैंने टू आर कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाता हमारा, पूछा जा रहा है आपसे, इस चार्ज पे मान लो फोर्स लग रहा है, डायपोल है प्लस और माइनस का, और ये एक चार्ज है क्यू, तो ये पहले आर डिस्टेंस पे रखा था इसके सेंटर से, अब मैंने इसको टू आर डिस्टेंस पे रख दिया, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे? पहले अगर एफ लग रहा था तो एफ बाय फोर, नहीं एफ आपका क्यू ही होता है, एफ बाय एट, हाँ ई आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर और इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब का वेरिएशन है। ठीक है, ये चीज है, अगर इन जनरल हम निकालें इसमें, तो उसमें इन जनरल डेरिवेशन भी किया हुआ है बुक्स वगैरह में, कि आप कोई पॉइंट लेते हैं अगर एट एंगल थीटा r distance पे, where r is sufficiently large as compared to a, तो जो potential आता है यहाँ पे, वो kp cos theta by r square आता है, kp cos theta by r square, इसका मतलब ये है कि अगर हम axial line पे देखें, तो theta कितना हो जाएगा? Zero, 90. Zero, तो v कितना हो जाएगा? kp by r square, जो आपने भी पीछे निकाला है। और अगर इक्विटोरियल लाइन पे देखें तो थीटा 90 तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सर, वो v इक्वल्स टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या चीज क्वेश्चन सर? हमें निकाल सकते हो, तो ज्योमेट्री वगैरह लगा के निकाल सकते हो ना? ठीक है।
तो ये है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो कि ये जो इक्विटोरियल लाइन होती है हमारी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर। ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बना था हमारा। यस सर, मैंने निकाला था, पीछे ध्यान होगा आप लोगों ने डेरिवेशन में किया था, तो ऐसे बनाया था हमने कि इसके प्लस के कारण इधर को होगा और माइनस के कारण इधर को होगा, तो नेट इधर को आएगा, उसको हमने ऐड किया था, ऐसे ऐसे किया था ना, डाइपोल के अपोजिट में। यस सर, डाइपोल के अपोजिट में आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, क्योंकि सरफेस आपका कैसा सरफेस है, ये पोटेंशियल, क्योंकि अभी आपने देखा कि पोटेंशियल हमारा जीरो होता है इस लाइन पे पूरा, इनफैक्ट इस प्लेन पे पूरा पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल प्लेन है, यहाँ पे V इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू इट, और वो होता भी है, हमने यहाँ निकाला भी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसा होगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। अरे समझ में आया परपेंडिकुलर क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये निकाली थी हमने, निकाली थी, और इक्विटोरियल लाइन यही होगी आपकी। यस सर। इक्विटोरियल लाइन में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। जीरो होता है ना, अभी यहाँ पे दिखाया था ना आपको, मैंने आपने पूछा था क्यों होता है, मैंने कहा था ये आर बराबर होते हैं तो जीरो होता है, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है, ये जो आपकी लाइन है या सरफेस आप पूरा बना सकते हो, उसमें सब जगह पोटेंशियल जीरो होगा, तो मतलब इक्विपोटेंशियल हो गया वो। यस सर। और इक्विपोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे है और यहाँ आ भी रहा है, यानी दोनों चीजें सही प्रूव हो रहा है, सही प्रूव हो रहा है। यस सर। ओके, तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट सर, जो ये पोटेंशियल होता है डायपोल के जैसे, तो जब इसको डिराइव करते हैं तो हम यहाँ पे ये असम्पशन लेके चलते हैं कि जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो पास के पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। नहीं, अभी तो हमने ये तो पास ही मान के चला ना, यहाँ तो हमने जो ड्राइव किया है हमने पास के लिए तो माना है पहले, तो हमने वो तो बाद में फिर हमने अजम्पशन मान लिया कि ए आर बड़ा है, ए से ज्यादा बड़ा है। अगर सर किसी भी एंगल थीटा पे निकाल रहे हैं तब, एंगल थीटा पे। यस सर, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो नेगेटिव वाले से और जो बीच में हमने थीटा माना है वहाँ से और पॉजिटिव वाले से, क्योंकि ये बहुत दूर है तो हमको ऐसा लगेगा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है उनके बीच में बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो हम थीटा उसमें सेम दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत से करते हैं उसका डेरिवेशन, ये माइनस है ये प्लस है, और यहाँ पे आप लोग निकालना चाह रहे हो थीटा एंगल पे, ठीक है। अब मुझे ये पोटेंशियल जो होगा इसके कारण, मान लो ये डिस्टेंस आर वन है और ये आर टू है, पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर वन माइनस के क्यू बाय आर वन। सर ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन डेरिवेशन से ये आएगा, ठीक है। अभी मैं आर वन और आर टू की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली, तो आर वन आर टू की वैल्यू कैसे, आप ये बोल रहे हो कि हम यहाँ पे अजम्पशन मानते हैं, आप ये बोल रहे हो कि ए कॉस थीटा से करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, फिर ये बोल रहे हो आप। यस सर, वैसे निकाल सकते हैं अगर अगर दो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन वो मानो ना, साइन वगैरह मांगे कर लो उससे, साइन रूल वगैरह लगा, उससे पर बात बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि जो है बीच वाला पॉइंट है अगर उसको हम बोल दे डी बोल देते हैं और वाले पॉइंट को पी, तो पी डी और बी, बी यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में जो डी पी है वो तो आर है, उसी के टर्म में हमें निकालना है, तो हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू ए आर, तो यहाँ से निकलेगा आर टू, बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना तो सर ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डी बी है उसके उसका मैग्नीट्यूड ए है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये डी बी है उसको वेक्टर मानते हैं, तो डी बी वेक्टर प्लस डी पी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बी वेक्टर आ जाएगा, तो वहां से भी वही आ जाएगा जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर का। और सर यहाँ पे जो आर सर जो आई पर
कॉम्प्लेक्स आएगा रूट के अंदर और उसमें cos थीटा भी होगा, तो इसलिए बहुत दूर मानते हैं ताकि सब में cos थीटा सेम हो जाए और फिर कैंसिल हो जाए। हाँ मतलब निकाल सकते हो लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो है निकाल तो लोगे लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा बहुत, तो यूजुअली हम उसको देखते नहीं उस चीज़ को। यहाँ पे वेरिएशन भी आपका जो आएगा उसका भी कोई यूज़ नहीं है ना, आपका जो वेरिएशन अभी आ रहा है दूर के लिए वो आ रहा है कि आर स्क्वायर से इन्वर्सली है, हो सकता है पास का पॉइंट लोगों तो ऐसा कुछ आएगा नहीं वेरिएशन, वो आर की पावर ऊपर भी आ जाएगी नीचे भी कुछ आ जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी। सर ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि कोसाइन रूल लगाने के लिए तो आर वन आर टू चाहिए होगा और आर वन आर टू भी मिला हुआ हमें तो निकाल ही सकते हैं। नहीं आर वन आर टू मिला नहीं हुआ ना, आर वन आर टू तो अननोन है, ए पता है आपको, ए पता है और ए पता है और ये आर पता है, जैसा फिर दिक्कत आ जाएगी। आर वन आर टू आपने अज्यूम किया है कि ऐसा होगा, दिक्कत आई है वही बोल रहा हूँ कि हो तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है तो समझ जाओ कुछ जाएगा उसमें। चलो आगे देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अब तो वैसे भी अब हायर उसमें जाओगे ना, जब स्टडीज वगैरह मैंने बीटेक वगैरह करोगे तो ये सब सॉफ्टवेयर से निकाली थी चीज़ें, तो आपको पूरा कंटूर वगैरह बन के आ जाएंगे, कंटूर मतलब कि कहाँ पे कितना पोटेंशियल है कितना है सब बन के आ जाएगा पूरा ग्राफ सॉफ्टवेयर में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर इसको ऐसे कर लेते हैं ना कि इस डायपोल को दो डायपोल में तोड़ लेते हैं, एक तो आर के अलोंग और एक आर के परपेंडिकुलर, जो आर के परपेंडिकुलर आएगा वो ए साइन टू ए साइन थीटा होगा जो जीरो हो जाएगा, और आर के अलोंग जो आएगा वो टू ए कॉस थीटा होगा। एक्स जीरो इक्विटोरियल लाइन ब्रेक करना चाहते हो, हाँ ये भी बोल सकते हैं, और फील्ड की डायरेक्शन फिर जो आएगी वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, हाँ कर सकते हैं यही बोल सकते हैं। सर उससे डायरेक्टली हो जाएगा ना, जैसे इसमें टू ए था तो आंसर जो आ रहा था वो के पी बाय, हाँ तो वो केपी बाय आर स्क्वायर आ रहा था, अब जब हम एक्सएल के लॉन्ग ले लेंगे तो वो टू ए कॉस थीटा हो जाएगा डायपोल, तो आंसर आ जाएगा केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके लेकिन ये स्मॉल के लिए मान रहे हो या बिग के लिए? आर तो बिग ही रहेगा, बिग रहेगा बस पिछले वाले में ही हमने जो डायपोल है वो टू ए कॉस थीटा कर दिया है, बस इतना ही चेंज किया, क्योंकि साइन थीटा वाला तो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर जीरो होगा पोटेंशियल। हाँ लेकिन आप जो लगा रहे हो ये आर को बिग मान के कर रहे हो ना या स्मॉल मान के कर रहे हो? नहीं आर को बिग मान के ही कर रहे हैं। अच्छा तो आर को बिग मान के तो कर ही सकते हो फिर, तो बहुत सारे तरीके हैं फिर, तो ये भी तरीका है जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पे उससे भी कर सकते हो। यस तो बिग में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो करने की स्मॉल अगर आप आर को मानेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, वही कह रहे हैं कि तब डिफिकल्ट है निकालना, बिग में तो आसान है, बिग में तो निकाल ही देंगे है ना, तो ये तरीका भी उसको जो आप बता रहे हो वो भी सही है कि हम उसके एक्सेल और इक्विटोरियल लाइन पे ले सकते हैं दोनों को, वो भी तरीका लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होती है, उसने आपको बता दी है सारी, तो आपको पता है कि इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो, तो यानी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा आपको चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए, इसका मतलब ये भी हुआ। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग वैल्यू वाले, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि अगर वो करेंगे तो एक पॉइंट पे दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी, तो हो नहीं सकती, टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कांट इंटरसेक्ट, अदरवाइज पोटेंशियल विल हैव टू वैल्यू एट द सेम पॉइंट। सर ये दो वैल्यू आ जाते हैं उसके रिजल्टेंट नहीं ले सकते? नहीं ये वेक्टर थोड़ी है। यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हो भी सकता है, इस बार में पोटेंशियल में तो अलग ही चीज है ये है। एक और बात है इसमें कि स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बताता है कि फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, जिसमें आपको बताया था, तो अगर हमारी स्पेसिंग कम है तो फील्ड क्या होता है वहाँ पे, स्ट्रांग या वीक?
अगर हमारी स्पेसिफिक कम है, अगर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हैं, यहाँ पे पास पास हैं, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, दिखा था मैं लास्ट टाइम पे एक पेस स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस gives idea of electric field present at the point. तो ये सब है और भी ऐसे प्रॉपर्टी बना सकते हैं फर्स्ट पॉइंट का लेकर एट द पॉइंट आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट दैट पॉइंट. मैंने अगर आप ये पोटेंशियल सरफेस पास पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे, है ना. ये लास्ट टाइम देखा था कि E इक्वल टू डी बाई डी आर होता है. तो अगर आपका यहाँ डी वी तो सेम है सबके बीच का, दस दस का है, अगर आपका डी आर कम आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. ओके, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी. अब जो है पोटेंशियल देख लेते हैं बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेल के कारण क्या होता है. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस. ओके, चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल बिकॉज ऑफ शेल के कारण क्या होता है हमारा, या सॉलिड स्फीयर अगर है चार्ज उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा डिफरेंट पॉइंट्स पर. तो लेट अस राइट, देखो उसमें क्या होता है कि वही केसेस में बाहर वाले पॉइंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज को सेंटर में मान सकते हो. तो इस पॉइंट पे ये शेल है, अभी चार्ज यहाँ पे हुआ, इस पर आप सेंटर में मान सकते हो इसका चार्ज. तो बाहर वाले पॉइंट पे तो पोटेंशियल जो है KQ बाय R आ जाएगा सीधा. स्मॉल R अगर ये सरफेस पे है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप R को कैपिटल R पुट कर दो तो फॉर्मूला आपका KQ बाय कैपिटल R आ जाएगा. सर यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर चुके हैं ना ऑलरेडी. ओके, पोटेंशियल निकाल देंगे. तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल है तो P पे ये आएगा. अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेते हो Q, तो VQ जो होगा वो KQ बाय कैपिटल R आ जाएगा. तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है. अब इशू आता है जब अंदर लेते हो क्या होता है. अंदर अगर आप लोगे यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है एक्चुअली वो कितना होता है, KQ बाय R, KQ बाय R कैपिटल R, है ना, कैपिटल R KQ बाय कैपिटल R. जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल इसके हर पॉइंट पे, अंदर जो है कोई भी पॉइंट आप लोगे तो हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, यानी पूरे स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर जगह पे सेम होता है इंक्लूडिंग सरफेस. हर जगह पोटेंशियल KQ बाय R ही होता है कहीं पे भी लो. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है ये होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे,
ये पढ़ा था हमने, वैसे भी ई आपका डी बाई डी आर होता है, तो अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और वो होता भी हमने पढ़ा था जब सेल देखी थी हमने, तो पोटेंशियल यहाँ पे के क्यू बाई आर होगा विच इज कॉन्स्टेंट। ये समझ में आया तीनों के सबको? यस सर। यस सर। ओके, मान लो एक ऐसा केस है, ये दो स्फीयर हैं, इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, इस पे चार्ज क्यू वन है, इस पे चार्ज क्यू टू है, और मुझे पोटेंशियल निकालना है मान लो इस पॉइंट पे, विच इज अ डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना, कितनी वैल्यू आएगी वी पी में? कितना? ओके ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ मान लो तो Q1 के लिए आउटसाइड वाला पॉइंट जाएगा, Q2 के लिए इनसाइड वाला, क्या बनेगा फॉर्मूला? K Q1 by R प्लस K Q2 by R2, K Q2 by कैपिटल R2, क्योंकि जो ये स्फीयर है इसके कारण हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो इसके यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर टू है, तो यहाँ भी इसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर टू ही आएगा, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा। अंदर वाला जो स्फीयर है उसके ये पॉइंट बाहर है, तो बाहर हमारा जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर होता है, तो यहाँ पे ये आएगा। क्लियर क्लियर हो सबको? यस सर। यस सर। ओके, और ये पॉइंट अगर यहाँ पे ले लें हम लोग, ऐसे मान लेते हैं, क्या बनेगा फॉर्मूला? इनसाइड वाला बनेगा, क्या लिखूं? के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू। ठीक है, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं? राइट। यस सर। सही। आर स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? स्मॉल आर सेंटर से लेके है और उस पॉइंट तक का माना है मैंने, ये वेरिएबल है सर। तो पोटेंशियल एट पी के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर कैसे, क्योंकि क्यू वन तो पूरा है ना, क्यू वन तो क्यू वन सेंटर पे थोड़ी ना। हाँ तो बाहर के लिए सेंटर पे मानते हैं ना, ये तुमने किया यहाँ पे? ओके, यहाँ पे दिया था तुमने सेंटर पे माना था ना, ये वाला केस हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मानेंगे के क्यू वन बाय आर और प्लस के क्यू टू बाई आर दोनों के लिए बाहर है, इसके लिए भी बाहर है अंदर वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए बाहर है, तो आर आर ले लेंगे। दूसरा केस हमने लिया तो ये अंदर वाले के लिए तो बाहर है, तो इसलिए हमने आर माना स्मॉल, लेकिन बाहर वाले के लिए ये अंदर है, जो बाहर वाला स्पेयर है उसके अंदर है पॉइंट, तो हमने के क्यू टू बाई आर टू मान लिया। राइट। यस सर। ठीक है, और जब बिल्कुल अंदर आया आप, तो आपने फिर दोनों को अंदर मान लिया, तो दोनों को आगे फिर अलग है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो इन दोनों स्फीयर के बीच का, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हो आप लोग खुद ही, यहाँ का और यहाँ का? यस सर। तो हमें जब जरूरत पड़ेगी अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको ये हमने किया अभी? यस सर। यस सर। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है सर। पोटेंशियल एट आर जो है वो के क्यू वन बाय आर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि r तक का डिस्टेंस स्मॉल r नहीं है? k q1 और ऐसा ये वाला केस बोल रहे हो अभी वाला? यस सर। हां, तो यहां तक का डिस्टेंस देखना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे? k q1 सर स्मॉल r तो p तक का डिस्टेंस है ना? नहीं, वो मैंने इसको भी r ही लिख दिया है, तो वेरिएबल है ना, जैसे x मान लेते हो ना आप। ओके, x मान लो। ठीक है, तो ठीक है, वो r डिफरेंट होगा उसका, ये तो बात सही है आपकी। अगर आपने पॉइंट कहीं अंदर लिया स्फीयर के, चाहे वो सेंटर पे लो या कहीं और भी लो, yes, sir. यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इतना पोटेंशियल होगा जितना कि सरफेस पे होता है,
और सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है, तो हर जगह अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे के क्यू बाय आर ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया। सर थर्ड वाले केस क्या है, थर्ड वाले केस का रीजन क्या है, सेम क्यों है, मतलब हाँ कैसे आया पोटेंशियल, सेम क्यों आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स आपको उससे निकाल सकते हो पोटेंशियल, जैसे सर इसमें किया हुआ है एससीओ वगैरह में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होता है इसलिए बोल सकते हो आप पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है आपका, जैसे ग्रेविटेशन में किया था, या ग्रेविटेशन में किया था आपने, रिंग मान के किया है ना एससीओ वगैरह में, शायद रिंग मान के किया हुआ, वो सब तरीके लगा सकते हो। तो उसका रीजन मतलब आपको इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, गॉस लॉ के कारण जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्योंकि E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है, और जब कोई डिफरेंशिएशन जीरो होता है उसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। yes, तो यहाँ से बोल सकते हैं ना, तो ये रीजन बोल सकते क्योंकि देखो ये पॉइंट अंदर था ना यहाँ पर, तो जब मैं इसके कारण पोटेंशियल लूंगा इस चार्ज के कारण, तो इस स्फीयर के भी अंदर है ये, तो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो होगा के क्यू वन बाय आर, कितना था सर, इट इज आर टू माना था हमने, के क्यू टू बाय आर टू है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल ये होगा इसका, तो हर जगह पोटेंशियल यही होगा, तो इसके कारण यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू टू बाय आर टू, ठीक है। अब ऐसे ये वाला स्फीयर भी है, इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा सरफेस पे वो इसके अंदर हर जगह होगा, जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, सरफेस पे कितना होगा के क्यू वन बाय आर वन, तो हर जगह के क्यू वन बाय आर वन, तो यहाँ पे के क्यू वन बाय आर वन इसके कारण भी आ जाएगा, दोनों का मिला के ये आ गया, ठीक हो गया। yes, sir, clear. Clear? Okay. अच्छा यहाँ पे अगर मैं ये कर देता ऐसे बना देता तो आप पे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती, कैपेसिटर तो बाहर ठीक है, सर अर्थिंग हो, ये अर्थिंग है ना, अर्थिंग से क्या होगा सर, इसको चार्ज फ्लो कर जाएगा, इसको चार्ज फ्लो कर जाएगा ग्राउंड में, हां मैंने कुछ भी होता ग्राउंड से इस पे करेगा या इससे ग्राउंड पे करेगा, दोनों चीज हो सकती है, लेकिन चार्ज लीक कर जाएगा, हां कुछ भी हो सकता है, मैंने जरूरी नहीं है लीक करे, हो सकता है आ भी जाए वापस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा यहां पर, पोटेंशियल जीरो होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा अगर आप निकालोगे तो, माने इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा यहां पे, जीरो हो जाएगा, वैल्यू कितना लिखूं, इक्वल टू जीरो आएगा, तो वैल्यू कितनी लिखूं, लेकिन मान लो चार्ज यहां पे क्यू2 बचता है फाइनली भी, अभी ना पता नहीं कितना चार्ज बचेगा यहां पे, हो सकता है कम बचे, लेकिन मान लो क्यू2 बचता है तो क्या लिखते हैं पोटेंशियल यहां पे, के क्यू2 बाय आर2 प्लस के क्यू1 डिवाइड बाय आर2 इक्वल टू जीरो, ये लिखोगे तो आप पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, है ना, यहाँ पे चार्ज हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे Q2 डैश मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज चेंज हो जाएगा ना, आप कन्फ्यूज हो गए, नहीं तो जो भी चार्ज यहाँ पे बचेगा Q2 डैश प्लस Q1R1, ये समझ रहे हो आप, ये पोटेंशियल किसके कारण आया Q2 डैश, अपने कारण, अपने चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, और ये किसके कारण आया, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट, ये जीरो कैसे हो गया, क्योंकि जब ग्राउंड से आप किसी चीज को जोड़ते हो तो ग्राउंड को हम जीरो पोटेंशियल पे मानते हैं, जो भी चीज ग्राउंड से जुड़ेगी वो जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगी, सर ये माना है हमने, हाँ उसका रीजन है एक्चुअली, ग्राउंड काफी बड़ा होता है ना, तो ग्राउंड में कोई भी चार्ज आप दोगे तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा नहीं, जैसे प्लस चार्ज आ रहा था पोटेंशियल बढ़ रहा था आपका, माइनस आ रहा था तो घट रहा था, लेकिन ग्राउंड इतना बड़ा होता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत चार्ज से, तो उसको जीरो पे मान सकते हैं आंसर। क्योंकि इनर वाली बाउंड चार्ज आपका बिल्कुल फिक्स है, वो कहीं मूव ही नहीं कर सकता, इनर वाला अपनी जगह पे ही रहेगा, हाँ पोटेंशियल में फर्क पड़ सकता है, पोटेंशियल अंदर का कुछ और हो जाए, चेंज हो जाए, सर अर्थिंग करने की वजह से जो चार्ज है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव कर जाता है ना, हायर से लोअर, यस यस, अर्थ को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है,
अर्थ को हम हाँ जीरो मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं जीरो। ओके तो ये हम पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है अगर ऐसा होता है। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको? आगे चलो। यस सर। सर कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो क्या उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा? अगर वो अकेला रखा हुआ है हम्म, अब कुछ और नहीं वहां पे नहीं उपाय करने से हम पॉजिटिव मानते हैं उसको। अच्छा तो मतलब अगर Q2 पॉजिटिव होगा तो हायर टू लोअर जाएगा, मतलब अर्थ के अंदर जाएगा? नहीं, Q2 पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो अकेला Q2 नहीं है ना यहाँ पे। देखो अच्छा, यहाँ पे जो निकालोगे पोटेंशियल वो तो दोनों ही कारण आएगा ना, इसके कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा जो आपने निकाला है अभी। तो डिपेंड करेगा आपकी ये वैल्यू कितनी आ रही है। अगर के क्यू टू बाय आर टू प्लस के क्यू वन बाय आर वन ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो मैंने पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, जीरो से ज़्यादा है, सॉरी आर टू आएगा जीरो से ज़्यादा है तो ये इधर से यहाँ फ्लो कर जाएगा। लेकिन मान लो कोई चार्ज जिससे नेगेटिव होता, मान लो ये नेगेटिव होता या फिर ये नेगेटिव होता, तो हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए आपकी। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उल्टा भी हो सकता है कि चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाए ग्राउंड से ऊपर। तो ये डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कुल मिला के। ठीक है सर, पोटेंशियल सिर्फ Q2 के सरफेस पे ही जीरो होगा? अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट जिसको करोगे उसका जीरो होगा सर। मतलब अगर Q1 सर ये जो आपने इनको कर दिया होता तो अंदर का जीरो होता केवल। ये वाला केस भी आपको दिखाता हूं मैं, इसमें क्या एक आप लोग इक्वेशन बताऊं पहले। हां बोलो 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 सर, पहले आप बता दो। हां उस पे कांसेप्ट नीचे क्लियर हो जाए कुछ। तो ये केस होता अगर, तो अब क्या लिखते हैं यहाँ पे जीरो किसको करते हैं, मान लो क्यू वन डैश हो जाएगा चार्ज जब फ्लो वो करेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप? इसको जीरो करोगे के इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? जीरो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ इक्वल टू जीरो करेंगे यहाँ, यहाँ क्या लिखो के क्यू वन डैश डिवाइड बाय इसका जो रेडियस है स्मॉल वाले का r1 प्लस के क्यू टू डैश डिवाइड बाय r2। Q2 डैश नहीं, क्योंकि तो Q2 ही रहेगा ना, तो जा नहीं सकता नहीं। Q2 by R2, क्योंकि इसके सरफेस पे जो होगा वही अंदर होगा हर जगह, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप Q1 की वैल्यू निकाल सकते हो, Q1 डैश हमारा कितना होगा अब। तो इस केस में हमने यहाँ का पोटेंशियल जीरो माना है, अंदर का, बाहर का जीरो नहीं होगा। अब बताइए क्या कुछ डाउट पूछना है? सर वो लास्ट वाली स्लाइड दिखाना है, उससे पूछना है। सर ये जो आपने लिखा है ना KQ2 by R2 plus KQ1 by R2 equal to 0, तो सर ये इसे इक्वेशन को अरेंज करने पे Q2 equals to minus Q हो जाता है। तो सर इसे हमने अर्थ कर दिया तो इसका चार्ज फ्लो कर गया, तो अब इसे फिर से चार्ज कैसे आ गया? नहीं ऐसा नहीं, अगर आप अर्थ किसी को कर देते हो उसका मतलब ये नहीं उस पर चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज उस पर हो सकता है, पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज तो उस पर हो सकता है, उसका चार्ज आ जाएगा और ज़्यादा अर्थ से निकल के। अर्थ से क्वाइंट कनेक्ट करने का मतलब केवल पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होता। चार्ज हो भी सकता है, मतलब मे और मिनिमम जीरो, ये बहुत एक मिसकंसेप्ट होता है, तो ये ध्यान रखना। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। एक किताब है ना वाली राहुल कुली वाली, कंसेप्ट ऑफ मिसकंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, देखिए आप लोगों ने। दोनों केस हो सकते, आप निकालोगे कई सारे कंडीशन लगा के, गॉस लॉ लगाओगे, वो लगाओगे तो सबसे निकलेगा कितना होगा। सर इस वाले चैप्टर से डीपी दे दो। इस वाले चैप्टर की डीपीपी? यस सर। इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तो मैं डाल रहा हूँ, इंजीनियरिंग की भी मैं चलो दे देता हूँ आप लोगों को बना के। मैं आपको सर यहाँ माइनस साइन कुछ इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट होंगे दोनों, यानी दोनों के साइन अपोजिट होंगे। एक अगर प्लस होगा अंदर वाला तो बाहर वाला माइनस हो जाएगा, या बाहर वाला माइनस, अंदर वाला माइनस होगा बाहर वाला प्लस हो जाएगा। सर यहाँ तो यही लग रहा है अंदर वाला माइनस, नहीं वो डिपेंड करता है अंदर वाला Q1 की वैल्यू। यस सर, हो भी सकता है माइनस तीन कूलम में, अगर मैं Q1 को माइनस तीन कूलम बोल दूं तो अंदर वाला भाग वाला प्लस तीन कूलम हो जाएगा।
क्लियर सबको? यस सर, यस सर। अब मैं सॉलिड वाला वो कर लेता हूँ, क्या नाम बोलते हैं, सॉलिड वाला अगली क्लास में करेंगे, सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होगा, तो वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? लास्ट स्लाइड, आगे वाली स्लाइड दिखाना। डीपी पे अगर आप लोग करना चाहते हो, मैं मैडिकल में डालू, जेई वाले क्वेश्चन तो उसमें डाल ही देता हूँ लगभग लगभग, एडवांस वाले तो आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं जो डालता हूँ इनके मेडिकल वालों के, वो जेई और नीट के मिक्स होते हैं, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो वाले भी उसमें सारे। लेकिन एडवांस नीट वाली डीपी पे वो नहीं आती है, नीट वाली आपकी होती है तो आप उसमें से ले जाओ ना, क्या नाम बोलते हैं, कोर्स में जाके आ जाएगा आपका। एक मिनट रुको, अभी ऐप खोलता हूँ मैं। सर मेडिकल में भी डीपीपी नहीं आई सर, अभी नहीं आई है सर। आप लोग शुरू के तीन चैप्टर नहीं आई अभी, एक मिनट रुको रुको सर। वैसे अभी ऐप अपडेट हुआ है सर, कुछ आया होगा शायद। हाँ वो तो आज ही हुआ है, उसमें ये थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड डाल दिया मैंने। अगर आप माय पैकेज पे जाते हैं तो ऊपर एक पॉलिसी बनी आती है, उसमें आप चेंज कर सकते हो ना, कोई भी आप क्लास हो ले सकते हो अपना, तो आ जाएगा वहाँ पे आपका। हमें चेक कर लेते हैं 12th मेडिकल में आया नहीं है, फिजिक्स डीपीपी। सर अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री की एक डीपीपी आई है और किसी की नहीं आई। अच्छा इन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। हाँ हाँ कर देंगे, चलो वो एक्चुअली इन्होंने बना दी है, दूसरी जगह बना दी शायद, इस जगह भी कॉपी पेस्ट मार देंगे। हाँ इसमें इसमें अभी जो पड़ी हुई है शायद पुरानी वाली पड़ी हुई है, पड़ी तो नहीं है इसमें, लेकिन पुरानी है शायद, या नई वाली है, आई डोंट नो, मैं पता कर लूंगा, हो सकता है नई वाली डाल दी उन्होंने, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले दी थी। सर जो डी पी पी जहाँ सेंटर, मतलब उसके हिसाब से होंगे, इंजीनियरिंग वालों के हिसाब से सजा सही रहेगा। जेई वाले तो लगभग सेम, मेरे जेई मेंस और नीट तक तो लगभग सेम ही होता है, एडवांस के ना थोड़ा अलग से क्वेश्चन आप दे दूंगा, अलग डी पी पी वाले। सर इसके थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन भी रख लो। क्या कर लें? प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस सेशन हाँ, हम लोग आज बात कर रहे थे, उसको भी प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आएगा, वो जल्दी आ जाएगा, एक एक क्लास में ट्राई करना सर, अलग से करना। सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। अच्छा सर एक चीज सर, पूछो पूछो सर, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे हम अगर किसी चार्ज को लाते हैं तो तो सर उसमें क्या चीज है, उसकी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आ गया, ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका इंफिनिटी तक होता ही है, चार्ज होते हैं आपके, मतलब कुछ चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका इंफिनिटी तक ही होता है ना। यस सर, आपको क्या पूछना चाह रहे हो एक्चुअली, क्या डाउट है आपको, हमने क्या कुछ पढ़ा था क्या ऐसा? यस सर। क्या पढ़ा था? ये चार्ज ना आप इन्फिनिटी से कोई लेके आ रहे हो, यहाँ पे ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक होता ही है ना सर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से ला रहे हैं तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी तक भाई, आर स्क्वायर के इन्फिनिटी तक है तो। हाँ यस सर, बीच में शेयर वेल लगा दो कुछ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दो तो बात अलग है। तो सर क्या चेंजेस आएंगे अगर शेयर लगा दिया तो? अभी देखेंगे उसे, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो। और उसके सरफेस के जस्ट ऊपर एक चार्ज रखा है क्यू, तो इस क्यू चार्ज की वजह से कर्व सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निकालना है। कर्व सरफेस के थ्रू कितना होगा, किधर रखा हुआ है वो, उधर साइड के जो मैंने कर्व साइड होती है। यस सर, एक हेमिस्फीयर बनाएंगे तो उसके जो टॉप होता है कर्व सरफेस के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर, सरफेस के जस्ट ऊपर। यस सर, यहीं पे सॉलिड एंगल से करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल निकाल लो इसका, टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है स्फीयर का,
4 पाई होता है, इसका सॉलिड एंगल कितना आएगा, इससे कनेक्ट करके देख लो इनके नीचे वाले पॉइंट 2 पाई 1 माइनस cos थीटा, हां वो लगा लो उससे कर लो। पर ऐसे नहीं लग सकते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर सरफेस से अंदर जा रही है बाहर भी जा रही है तो एरिया प्रोजेक्शन लेंगे तो वो बिना सॉलिड एंगल के नहीं कर सकते उसको, जो जा रही है यहाँ से तो सब डायरेक्शन में जाएंगी ना, क्या आप बोलना चाह रहे हो, मतलब ऐसे जाएंगी लाइने तो आप क्या लेना चाह रहे हो उसमें एरिया प्रोजेक्शन कब लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ये तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा फिर आप एरिया प्रोजेक्शन कैसे लोगे, क्योंकि एंगल एंगल चेंज नहीं होते हर एरिया को, जैसे सर हम कहते हैं ना कि जो फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रल होता है EdA का, E डॉट dA का, हाँ होता है बिल्कुल, तो अगर E कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो dA हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही आ रहा है तो माइनस साइन तो आएगा ही फ्लक्स के बाद, dA तो ये होगा ना आपका एरिया, dA तो ये एरिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, तो ये एंगल तो बार बार चेंज होंगे ना हर जगह पे अलग अलग एंगल होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट भी थोड़ी है, आप कैसे बोल रहे हो कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ लाइन पास होंगी आपके यहाँ भी को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर जाते जाओगे, ओके सर आ गया है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते सॉलिड एंगल से करना पड़ेगा, ठीक है यस सर हो जाएगा, तो और डाउट किसी का, सर हाँ जी इंफिनिटी तक कैसे होती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या बोलना क्या चाहते हैं बताओ कितना कम हो जाएगा या कितना ज्यादा हो जाएगा, फोर्स कितना कम या ज्यादा हो जाएगा ऐसा पूछा था, यस टेस्ट बोल लो आपको ऑब्जेक्ट पता है क्वेश्चन फोर्स कितना कम हो जाएगा, एफ नॉट बाय के हो जाता है इसमें तो डायरेक्टली, तो अगर नेट फोर्स की बात करें तो, लेकिन आपने कहा था कि चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट ही रहता है वो चेंज नहीं होता, तो आप ऑप्शन था कांस्टेंट वाला, यस सर रिमेंस कांस्टेंट भी था, और क्या लिखा था कि चार्ज के बीच का फोर्स कितना है या लिखा था कि चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सर चार्जेस के बीच का फोर्स लिखा हुआ था, अगर बीच का लिखा था तो एफ नॉट ही आना चाहिए आंसर, यस सर सर मैं एक बार क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, हाँ भेज देना टेस्ट का है ना, भेज दीजिए उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए, ओके और बताओ भाई क्या डाउट है, हो गए सबके डाउट क्लियर, चलो अगली क्लास में, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, अब अगली क्लास में इसमें गॉस लॉ करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में अभी देखो कुछ और टॉपिक है थोड़ा बहुत पहले छोटे छोटे वो कंप्लीट करें, अब आप उनको ठीक है थैंक यू क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा है ना वो करें, ओके